चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। आरजीपीवी एग्ज़ाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। यहाँ हमें के और टी की वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड के एंड टी। व्हेन एमपी मैक्सिमम ओवरशूट इज 20% एंड पीक टाइम इज 2 सेकेंड। और हमें सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम कुछ गिवन है, इसका ब्लॉक डायग्राम हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें जीएस की वैल्यू, यहाँ दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई में आएंगे क्योंकि कैस्केड में कनेक्टेड है, के डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर है। और एचएस की वैल्यू गिवन है 1+ ST। तो हम ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे और ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन जी एस बाय आर ऑफ एस होगा, सॉरी सी एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस होगा जी एस डिवाइडेड बाय 1+ GS HS। इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। जी एस की वैल्यू के डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर 1+, अगेन जी एस की वैल्यू के डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर, और एच एस की वैल्यू 1+ ST। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा के डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस के इंटू 1+ ST। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सी एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस की वैल्यू मिलेगी के डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस के टी एस प्लस के। यहाँ हम न्यूमरेटर में जो, सॉरी डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन मिल रही है एस स्क्वेयर प्लस के टी एस प्लस के इक्वल टू 0, इसे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम से कंपेयर करेंगे। मतलब एस स्क्वेयर प्लस 2 ζ ω(n)S + ω(n)² से हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें ω(n)² = k मिलेगा। मतलब कि ω(n)√k होगा। और 2 ζ ω(n) = हम k इंटू टी पुट करेंगे तो यहाँ से जीटा की वैल्यू k इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 ω(n) होगी। यहाँ जीटा की वैल्यू k डिवाइडेड बाय 2 ω(n) होगी = kT। और यहाँ पर ω(n) की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 √k हमको मिलेगा। तो फाइनल आंसर होगा √k(T)/2। ये जीटा की वैल्यू हमने फाइंड की। तो हमें ω(n) की वैल्यू √k और जीटा की वैल्यू T√k/2 मिलेगी। हमें गिवन है पीक टाइम TP = 2 सेकेंड एंड इट इज इक्वल टू π/ωd होता है। तो यहाँ से हमें ωd की वैल्यू मिलेगी π/2 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली हमें गिवन है MP = 20% और MP का फार्मूला होता है e^π√1 − ζ² = 0.2 गिवन है। 20% का फ्रैक्शनल होगा 0.2। इस पूरे टर्म का, यहाँ से हमें जीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो पूरे टर्म का हम लॉग लेंगे। तो लॉग लेने के बाद हमें मिलेगा −ζ π/√1 − ζ² = log base e 0.2। यहाँ हम लॉग बेस ई फाइंड करेंगे तो लॉग ऑफ 0.2 = हमें मिलता है −1.6। तो −1.6
पुट कर देंगे, यहाँ से हम जीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1.6 हमें मिला, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब पाई से डिवाइड करेंगे तो जीटा डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1/6 और पाई की वैल्यू होती 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.51 और इस इक्वेशन को सॉल्व कर हम जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, तो जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.51 होल स्क्वायर। यहाँ से जीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0.51 का स्क्वायर हमें 0.26 मिलेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब सॉल्व करेंगे तो जीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.45। तो हमें जीटा की वैल्यू पता चली और यहाँ हमें ओमेगा एन इंटू रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू पाई बाई टू गिवन है। तो यहाँ जीटा की वैल्यू पुट कर हम ओमेगा एन की वैल्यू निकालेंगे और वो होगी पाई बाई टू मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई टू रूट वन माइनस जीटा की वैल्यू 0.45 होल स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा एन की वैल्यू हमें 1.76 रेडियन पर सेकेंड मिलेगी। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू हमें रूट के गिवन था, तो रूट के की वैल्यू होगी 1.76, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 1.76 होल स्क्वायर मतलब 3.09। तो हमें यहाँ से के की वैल्यू पता चली, के की वैल्यू और जीटा की वैल्यू से हम टी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमें पता चल रहा है के की वैल्यू 3.09 और जीटा की वैल्यू 0.45 मिलती है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 जीटा डिवाइडेड बाय रूट के मतलब कि 2 × 0.45 डिवाइडेड बाय रूट 3.09 इज इक्वल टू हमें मिलेगा, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.51। तो हमें टी और के की वैल्यू पता चली। यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0.5 हमें मिलता है और के इज इक्वल टू 3.09 हमें मिलता है। थैंक यू।